सरकार ने हाल ही में बिजली के बिलों के दामों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है और अब हरियाणा सरकार अपने 2500 से लेकर 3000 करोड़ के बिलों के बकाया को वसूलने के लिए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। जिन उपभोक्ताओं को बिजली का बिल बकाया है वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का एक मुश्त या किश्तों में देने को तैयार है, उन्हें सरकार राहत देते हुए उनका जो सरचार्ज है वो माफ करने जा रही है। ऐसे में उपभोक्ता को जो अपना पिछला बिल है वो नहीं भरना होगा, उन्हें करीब आधी राहत भी मिल जाएगी। साथ ही नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी 5 किलोवाट तक सरचार्ज माफ करने की रियायत दी जा रही है। हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि बिजली विभाग जल्द ही सर्कुलर जारी करेगा। हरियाणा सरकार करीब 600 से 800 करोड़ का सरचार्ज अब माफ करने जा रही है। हमने जो डोमेस्टिक टैरिफ में हमने रियायत दिया वो इसीलिए कि लोगों को जो कम खर्चा करते हैं बिजली, उन लोगों को उसको बिजली के बिल अदा करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उससे हमारी उम्मीद ये है कि उनके ऊपर कम बोझ पड़ेगा तो ज़्यादा कंप्लेंस होगा, यानी ज़्यादातर लोग अपने बिल टाइम पर देंगे। तो इस फायदे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का बड़ा बकाया खड़ा है। जो बकाया है उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो है ही, उसके साथ सरचार्ज और कई महीनों के या सालों के अगर के सरचार्ज के ऊपर भी सरचार्ज लग जाता है। तो अब ये सर्कुलर जारी करने जा रहे हैं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, जो जिन लोगों का बिल बकाया है और जिनका मीटर कट भी लाइन कट भी गया है, सभी के लिए हम उनके सरचार्ज माफ करेंगे। छह से 800 करोड़ का सरचार्ज हरियाणा सरकार अब माफ करने जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत अब सरकार ने दी है। इससे पहले भी बिजली के बिलों में कटौती की थी और अब सरचार्ज को भी माफ कर रही है। ये अच्छी सहूलियत है, सरकार की तरफ से एक के बाद एक बिजली को लेकर लोगों को सहूलियत दे रही है। पिछला बिल करीब आधा माफ भी सरकार कर देगी। नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ता का 5 किलोवाट तक का जो सरचार्ज है उसको माफ किया जा रहा है। ये कुछ ही समय में जो सर्कुलर है वो जारी हो जाएगा।